हेलो यूट्यूब, दिस इज गणेश। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम करने वाले हैं टेस्टिंग हमारे दिवाली फायरवर्क्स स्टैश 2021 पार्ट 13 की। वीडियो शुरू होने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे लाल वाला बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे टैप कर दीजिए। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर दोस्तों आप इन सभी पटाखों का अनबॉक्सिंग और रिव्यू देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन क्लिक करके वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब इन सभी पटाखों को टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे जंबो ब्रांड का स्नो फाउंटेन। हमने जंबो ब्रांड का स्नो फ्लेक्स भी टेस्ट किया, हमारे चैनल के अपलोड्स में आप उसे देख सकते हैं। इसकी एमआरपी लिखी है 960 रुपीज़ और हमें पड़ा था 100 रुपीज़ का। स्नो फाउंटेन यानी कि स्नो वाला इफेक्ट निकालता है। एक बॉक्स में 3 पीसेस देखने को मिलते हैं, हमारे पास 2 पीस बचे हैं। एक पीस अगर हम बाहर निकाल के देखें तो कुछ इस प्रकार का है। इसे हम अभी टेस्ट करेंगे थोड़ी देर में, पहले से जल्दी से देख लेते हैं कुछ इस प्रकार का है। ओवरऑल बेस और टॉप पार्ट काफी अच्छा है और यहाँ पर फास्ट बर्निंग पेपर है जिसके अंदर फ्यूज देख सकते हैं आप। मुझे लगता है इसका इफेक्ट स्नोई फाउंटेन जैसा होगा और 15 से 20 सेकंड चलेगा और इफेक्ट की हाइट होगी 15 मीटर। तो चलिए अब इसे टेस्ट करके देखते हैं। नेक्स्ट हम टेस्ट करेंगे काजा ब्रांड के एटम बम फनल। फनल यानी कि हम इन सूतली क्रैकर्स में देखने को मिलेगी बेस वाली आवाज, यानी कि तीखी आवाज नहीं होगी और बेस वाली होगी, यानी कि शॉक वेव फील कर पाएंगे। एमआरपी लिखी है 600 रुपीज़ और हमें बॉक्स पड़ता 150 रुपीज़ का। एक बॉक्स में 10 फनल क्रैकर्स देखने को मिलते हैं। काजा ब्रांड के तो काफ़ी अच्छे होंगे, अंदर से कुछ इस प्रकार के हैं। एक पीस अगर हम देखें तो काफ़ी हाई क्वालिटी फ्यूज है पहले तो, और ओवरऑल क्वालिटी काफ़ी अच्छी। सिल्वर कलर का ऊपर से पेंट लगाया हुआ है और काफ़ी भारी भी है, लगभग 50 ग्राम्स का है, तो काफ़ी ज़ोरदार आवाज़ करेगा। जय एम नारायणन लिखा है इसके ऊपर। तो चलिए अब इसे टेस्ट करके देखते हैं। आपने देखा दोस्तों, इसकी आवाज़ काफ़ी डिफरेंट थी, बिल्कुल भी तीखी नहीं थी इसकी आवाज़। पार्ट 13 के सेश में अनारों में हमारे पास है शनमास ब्रांड के ट्राई कलर फाउंटेन्स और ये सबसे बेस्ट इफेक्ट निकालने वाले अनार हैं मेरे हिसाब से। इनमें से हम एक पीस टेस्ट करेंगे आज। एक बॉक्स में आपको 5 पीस देखने को मिलते हैं और इसकी एमआरपी लिखी है 699 रुपीज़ और हमें यह पड़ा था 240 रुपीज़ का डब्बा। काफ़ी महंगा, लेकिन अनार की वैल्यू और क्वालिटी उतनी ही अच्छी है। अंदर से कुछ इस प्रकार के डिफरेंट कलर के अनार हैं, लेकिन सभी का इफेक्ट ट्राई कलर यानी कि सेम होता है। एक पीस अगर हम बाहर निकाल कर देखें, ऑरेंज वाला कुछ इस प्रकार का आप देख सकते हैं। इसे यहाँ टॉप पर फुलझड़ी रखकर जलाया जाता है और इसकी इंडिविजुअल एमआरपी भी लिखी है 125 रुपीज़, यानी कि इन्हें आप इंडिविजुअल भी ले सकते हैं। डीलक्स है तो काफ़ी हाई क्वालिटी होगी। बिना टाइम वेस्ट करें चलिए इसे टेस्ट करके देखते हैं। कलर फाउंटेन पिछड़ जाओ, ओपी चक्री में आज हम टेस्ट करेंगे बहुत ही कमाल की सीटी वाली चक्कर। यह है रविंद्रास की विज व्हील। एमआरपी लिखी 225 रुपीज़, हमें बॉक्स पड़ा 100 का। ये ग्रीन क्रैकर है और एक बॉक्स में 5 विज व्हील चक्कर देखने को मिल जाती है।
काफी अच्छा बॉक्स है। अंदर हमारे पास 3 पीस है, इनमें से हम 2 पीस टेस्ट करके देखेंगे आज। चलिए इन्हें बाहर निकाल कर देखते हैं किस प्रकार की है ये सीटी वाली चक्कर, और फिर इसे टेस्ट करते हैं। ये देखिए एक पीस को जिस प्रकार का, इस पर लिखा है हीमैन ब्रांड, और काफ़ी अच्छी ब्रांडिंग है इसमें। खास बात है इसमें फ्यूज़ भी है देखिए यहाँ पर, लेकिन फिर भी इसे फुलझड़ी से जलाएं दूर से। और यहाँ पर ये सीटी वाला पटाखा है, और यहाँ पर सीटी बजेगी, काफ़ी ज़ोरदार आवाज़ होती है इसकी सीटी की। तो चलिए अब इस व्हिस व्हील को टेस्ट करके देखते हैं। नेक्स्ट हम टेस्ट करेंगे मटका अनार। हमारे पास हैं पार्ट 13 के स्टैश में गुड़िया ब्रांड के अशरफी फ्लावर पॉट्स। एक बॉक्स में 5 पीस देखने को मिलते हैं हमारे पास, 2 डब्बे हैं और दिवाली एडिशन वाले। एमआरपी पर बॉक्स है 700 रुपीज, और हमें पर बॉक्स कॉस्ट पड़ी है 140 रुपीज़ की, और काफ़ी अच्छे हैं। हैप्पी दिवाली एडिशन देखिए, और एक बॉक्स को देखें तो कुछ इस प्रकार का है। अंदर से जो अनार हैं वो कुछ ऐसे हैं, काफ़ी बड़े साइज़ के मटका अनार है। एक पीस कुछ इस प्रकार का है, इस पे लिखा अशरफी, काफ़ी कलरफुल और ब्राइट होता है ये, और अशरफी है काफ़ी भारी होता है, काफ़ी ज़ोरदार इफेक्ट होता है, चलता थोड़ी कम देर के लिए लेकिन इफेक्ट बहुत ही ज़ोरदार और ऊंची हाइट वाला होता है। तो चलिए अभी इस अशरफी फ्लावर पॉट को टेस्ट करके देखते हैं किसका अनार ऊपर होगा। इसका इफेक्ट वाकई ही बहुत ही अच्छा था। चलिए नेक्स्ट फायर क्रैकर टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट हम टेस्ट करेंगे बहुत ही कमाल की महाराजा स्पार्कलर्स। एक बॉक्स में आपको 5 पीसेस देखने को मिलते हैं, 75 नंबर यानी कि 75 सेंटीमीटर की स्पार्कलर, लेकिन उसे काफी लंबी लग रही है, और MRP यहां लिखी है 1050 रुपीज, और हमें डब्बा पड़ा था 150 रुपीज का। एक बॉक्स में 5 स्पार्कलर है जैसे हमने देखा लिखा हुआ है बॉक्स के ऊपर। चलिए इसे खोल कर देखते हैं किस प्रकार के अंदर से फुलझड़ी, और फिर उसे टेस्ट करते हैं। तो खुल चुका है ऊपर से डब्बा, और फुलझड़ी हमारी ये रही कुछ इस प्रकार की। इसके ऊपर प्लास्टिक रैपिंग भी होती है जो हमने आपको अनबॉक्सिंग और रिव्यू में दिखाई थी, अभी ये डायरेक्ट निकल गई, प्लास्टिक का रैपर अंदर ही रह गया। कुछ इस प्रकार की फुलझड़ी आप देख सकते हैं, हैंडल वाला पार्ट काफ़ी छोटा है और इफेक्ट वाला पार्ट बहुत लंबा है। तो चलिए अब इसे टेस्ट करके देखते हैं कितने लगाती है जलने में, कैसा इसका इफेक्ट और कितना इसका रनिंग टाइम है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा इसका रनिंग टाइम बहुत ही ज़्यादा है, पैसा वसूल स्पार्कलर है ये दोस्तों। आप इसका आगे वाला पार्ट देख सकते हैं दोस्तों, वो मुड़ ही गया है, यानी कि इतनी गर्मी पैदा हुई इसके जलने से कि इसका आयरन मेल्ट हो गया। तो प्लीज़ स्पार्कलर्स को भी केयरफुली जलाएं। नेक्स्ट हम टेस्ट करके देखेंगे सनराइज ब्रांड का जेम्बेजिया 30 मल्टी कलर शॉट्स। ये 30 मल्टी कलर शॉट्स की पेटी है जिसके अंदर हर एक शॉट इस प्रकार का इफेक्ट निकालता है आकाश में, यानी कि 30 तरह के हमको डिफरेंट कलर देखने को मिलेंगे आकाश में। MRP लिखी है 1440 रुपीज़, और हमें डब्बा पड़ा था 400 रुपीज़ का, और 30 मल्टी कलर शॉट्स है इसके अंदर जैसे कि हमने पढ़ा। तो चलिए अब इस बॉक्स को खोल कर देखते हैं अंदर से कुछ इस प्रकार के। पहले तो पेपर लगा इसे हटाते हैं, और कुछ इस प्रकार के 1 इंच के शेल्स लगे हैं। देखने को तो छोटे हैं पर छोटा पैकेट बड़ा धमाका, बहुत ही ब्राइट और कलरफुल इफेक्ट करते हैं आकाश में। लगभग 40 से 50 सेकंड तो आराम से निकालते हैं अगर डबल फ्यूज़ जलाया जाए इनका, और सिंगल फ्यूज़ में 3-4 मिनट तो आराम से चलते हैं। तो चलिए अभी जेम्बेजिया 30 मल्टी कलर शॉट्स को टेस्ट करके देखते हैं। Thank you.
नेक्स्ट हमारे पास है सूकरा ब्रांड की कुरुवी क्रैकर्स, 6 पैकेट और हर पैकेट में 5 पीस। इंडिविजुअली एक पैकेट आपको पड़ता है 25 रुपीज का, लेकिन अपने से का पूरा रैक लिया था 10 पैकेट्स का और हर पैकेट की कॉस्ट पड़ी हमें 20 रुपीज, रैक की 200 रुपीज। अंदर से कुछ इस प्रकार के हमको पीसेस देखने को मिलते हैं। ये बहुत ही बड़े साइज की कुरुवी है, 5 इंचेस की है, बहुत ही जोरदार आवाज करेगा। बेस पार्ट कुछ इस प्रकार का है और टॉप पार्ट में फ्यूज छोटा है तो केयरफुली जलाएंगे। तो चलिए अब इस कुरुवी को टेस्ट करके देखते हैं। अगला पटाखा हम टेस्ट करेंगे दूसरा स्काई शॉट हमारे पार्ट 13 के स्टैश में, श्री कृष्ण स्वामी ब्रांड के टॉप 5, जो कि कुछ इस प्रकार का हर एक डिफरेंट इफेक्ट निकालता है। आज हम सारे टेस्ट करेंगे। एमआरपी लिखी इसकी 300 रुपीज और हमें बॉक्स पड़ता 150 रुपीज का। ये पेंटा स्काई शॉट है, यानी कि इसमें 5 शॉट्स होते हैं, 5 पीसेस और बॉक्स के अंदर कुछ इस प्रकार के 5 पीसेस हैं। तो चलिए अब इन्हें टेस्ट करके देखते हैं। तो यह पहला शॉट कृष्ण स्वामी ब्रांड का, ऊपर बहुत ही शानदार रेड कलर का इफेक्ट, ये जला, ये गया ऊपर और ये ग्रीन इफेक्ट बहुत ही सुंदर, ये गया ऊपर और ये बहुत ही शानदार इफेक्ट, बहुत ही जोरदार, बहुत ही बड़ा इफेक्ट है इनका। ये एक और जलाया, ये गया ऊपर और बहुत ही सुंदर गोल्डन क्रैकलिंग इफेक्ट। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इस प्रकार की वीडियोस काफी पसंद आती है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोस की पूरी प्लेलिस्ट बनाकर रखी है, जो आपको पसंद हो जरूर चेकआउट करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को नीचे शेयर बटन दबाकर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए किसी भी सोशल मीडिया साइट पे, ताकि वो भी इस वीडियो का मजा ले सके। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।